वहीं जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के डेसा में आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के एक कैप्टन समेत चार जवान शहीद हो गए हैं। बता दें कि एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है, यानी कुल मिलाकर पांच लोगों की जान गई है। वहीं राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस यहां सोमवार से ही सर्च ऑपरेशन चला रही थी। बता दें कि सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे, घने जंगल होने की वजह से वे बच निकले। वहीं सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर गोलीबारी हुई, इनमें से पांच जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि इन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही ब्रजेंद्र सिपाही, सिपाही और अजय शामिल हैं। वहीं इनमें से सिपाही अजय सिंह राजस्थान के झुंझुनू जिले के बुहाना तहसील के भैसावता कला के रहने वाले थे। सेना इलाके में हेलीकॉप्टर ड्रोन से आतंकियों की तलाश कर रही है। वहीं हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने ली है। संगठन ने दावा किया है कि उनके हमले में आर्मी के कैप्टन समेत 12 जवान मारे गए हैं, जबकि 6 घायल है। वहीं जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया और डोडा जिले में हमारी सेना के जवानों और जेकेपी कर्मियों पर हुए कायरतापूर्वक हमले के बारे में भी जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। वहीं शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया और उरार बग्गी डोडा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान में हमारे बहादुर और साहसी भारतीय नेता के जवानों की शहादत से बहुत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस पर कहा कि डीजीपी को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले 32 महीनों में लगभग 50 जवानों की जान जा चुकी है। मौजूदा डीजीपी राजनीतिक तौर पर चीजों को ठीक करने में लगे हैं। उनका काम पीडीपी को तोड़ना और लोगों और पत्रकारों को परेशान करना और लोगों को धमकाना है। By now the head should have rolled, the DG should have been sacked by now, because जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 months में almost 50 soldiers have lost their lives, nobody is being held accountable, और जो इस वक्त के DG हैं, he is more, you know, busy with fixing things politically. उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए, आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है, यूएपीए कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज्यादा से ज्यादा रेड्स किए जाए। यहां पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ईडी का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड, हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन, उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? We don't need a fixer here. We need a DG. हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत DG आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है। आप मुलाजमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे, कौन होते हैं वो लोग? मेजोरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्जाम दे के। हर चीज में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें, उनको यूज किया जाता है, उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा। जिस पार्टी का ये एजेंडा यहां चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एलके अडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। और दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहां के लोगों ने उसमें
बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पर भरोसा कर रहे हैं और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है।